अमरण अनशन पर बैठे नीतू कोठारी की बिगड़ी तबीयत, राम मंदिर ट्रस्ट की भूमि मामले को लेकर आमरण अनशन पर बैठी नीतू कोठारी की तबीयत बिगड़ने से हॉस्पिटल लेकर गए। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन के अंतरण के मामले को लेकर आज 9वें दिन आमरण अनशन पर बैठी भाजपा पार्षद वार्ड नंबर 11 की तबीयत बिगड़ने से जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आज दोपहर अनुविभागीय अधिकारी सुरुचि सिंह ने दोपहर 1 बजे राम मंदिर प्रांगण में मुलाकात की, उसके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली। इसी दौरान आमरण अनशन पर बैठे नीतू कोठारी की तबीयत बिगड़ने लगी। तत्काल जिला अस्पताल को सूचना कर जिला अस्पताल के एम्बुलेंस से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष बेमित्रा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। मंदिर ट्रस्ट भूमि के अंतरण होने तक अनुविभागीय अधिकारी ने कहा कि पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद आमरण बैठने रहने संबंधी उच्च अधिकारियों से चर्चा करने के बाद की गई। बेमित्रा में श्री राम मंदिर जमीन मामले को लेकर नीतू कोठारी आमरण अनशन पर बैठने पर राज्य भर से अलग अलग अखाड़े के नागा साधु संत समर्थन में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि श्री राम मंदिर जमीन की अदला बदली को लेकर जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। आगे यह जमीन मामला बड़ा रूप ले दिखाई दे रहा है, जो चुनावी समय में प्रशासन शासन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। नीतू कोठारी यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठी थी और अभी उनका स्वास्थ्य चेकअप सुबह शाम हो रहा था, तो सुबह वाले चेकअप में पता चला कि बीपी लो है, तो उनको सख्त समझाई दी गई कि प्लीज़ आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए, तो उसके बेसिस पे अभी उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। सही है कि नीतू कोठारी के द्वारा राम मंदिर में जो जमीन अंतरित कर दी गई है उसके मांग के लिए वो 3 तारीख से आमरण अनशन कर रही है, जिसका आज 9वां दिन था। मेडिकल बुलेटिन टीम जांच के लिए गई तो पाया गया कि शुगर, बीपी और आरबीसी कम होना चालू हुआ, तो उनके द्वारा तत्काल एसडीओ मैडम को खबर की गई। एसडीओ मैडम ने तत्काल यहाँ पहुँची और पहुँचने के बाद समझाइश देते हुए कहा गया कि पहले हमको जान बचाना है, फिर हम भी जो सनातन हिंदू धर्म समाज से जो जुड़े हुए हैं उन्होंने हम लोग ने भी आपस में विचार विमर्श करके निर्णय लिया कि पहले हमको जान बचाना है और ये राम मंदिर की संपत्ति जब तक वापस नहीं आती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सुबह जो है धरना स्थल से उनको लेके आया तब स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बीपी काफ़ी डाउन हो गया था, शुगर एकदम नहीं के बराबर हो गया था, जिससे शरीर बिल्कुल डाउन हो गया था और लगभग बेहोशी की अवस्था में आ गई थी। लेकिन अभी यहाँ आने के बाद उनका ट्रीटमेंट लगातार जारी है और अभी उनकी स्थिति जो है सामान्य हो रही है, अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है, हो सकता है कि 2 दिन उनको और लग जाए। बीपी शुगर वगैरह में जो है वो के बाद में इनको क्या छुट्टी वगैरह दे दिया जाएगा? अभी हम देख रहे हैं उनका स्वास्थ्य, जैसे जितना जल्दी रिकवर हो जाएगा जल्दी छुट्टी दे देंगे।